हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पीरियड। नाउ अगेन वी आर स्टार्टिंग पेज नंबर 74। यहाँ तक हमारा हो गया था। हमने ये देखा कि ये लड़की जो है, इसके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चलता है कि वो खुश है कि दुखी है, कि सरप्राइज्ड है या एंग्री है, है ना। स्टडी द पिक्चर्स गिवन अबो, राइट द नेम्स ऑफ द इमोशन दैट यू सी ऑन ईच फेस इन द बॉक्स बिलो इट। यहाँ पे आपको लिखना है कि कौन सा इमोशन है चेहरे पे, क्या एक्सप्रेस हो रहा है। यहाँ पे वो हैप्पी है तो यहाँ आप लिखोगे हैप्पी, एंग्री, सैड और सरप्राइज्ड। ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड अ पर्सन्स फीलिंग्स बाय लुकिंग एट द एक्सप्रेशन ऑन देयर फेस। चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर हमें पता चल जाता है कि कौन क्या फील कर रहा है ना। चेहरे से हमें समझ में आ जाता है। द एक्सप्रेशन ऑन द पर्सन्स फेस एंड अदर गेस्चर्स कम्युनिकेट अ मैसेज टू अस। और जो गेस्चर होता है, गेस्चर यानी हमारे बॉडी लैंग्वेज होती है, हमारे हाथ, हम जैसे बात करते हैं तो बात करते समय हमारे बॉडी लैंग्वेज जो है, वो बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को पता चल जाता है कि ये क्या कहना चाह रहा है ना। कभी कभी हम बात भी नहीं करेंगे, मुंह भी नहीं खोलेंगे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाता है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है और वो क्या बोलना चाह रहा है। तो इस तरह से हम, जैसे किसी को बुलाना है तो हम ऐसे 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 करेंगे, है ना, या ऐसे ऐसे करके बुलाएंगे। तो ये जो है हमारी बॉडी लैंग्वेज है, इससे सामने वाले को पता चल जाता है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। और भी बहुत सारे ऐसी एक्शंस है जो मैं यहाँ पे आपको बता नहीं सकती, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम कोई अगर बात नहीं कर पाता है तो हम इशारों से बातें करते हैं ना। तो इशारों से बातें करते हैं तो वो भी एक गेस्चर ही हुआ। तो ये जो गेस्चर होता है, इससे भी हम किसी से बात कर सकते हैं। वी रिसीव मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन थ्रू कम्युनिकेशन। द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक दूसरे को कुछ बताना, बोलना, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देना। तो बात करते हैं तो कुछ ना कुछ तो हम बताते ही है, इसका मतलब हम क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, एंड दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन। इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। इन्फॉर्मेशन से क्या होता है? हमारा नॉलेज बढ़ता है। अब देखो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा है। ये जो है टीवी चैनल वाले है शायद, ये कैमरामैन है और ये जो है ये क्या बोलेंगे, एडिटर बोल सकते हैं या तो फिर पत्रकार जो होते हैं, पत्रकार है। ये क्या करते हैं? ये रिकॉर्ड करते हैं जो भी इवेंट होता है या जो भी सीन होता है वो रिकॉर्ड करते हैं। जो भी न्यूज़ होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर वो न्यूज़ कहा जाती है, यहाँ टीवी चैनल पर जाती है। और ये जो है इसके ज़रिए सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है और यहाँ पे देखिए कैमरे में से टीवी पर आ रहा है ना। तो सैटेलाइट जो होते हैं, इस तरह के सैटेलाइट यूज़ होते हैं जिसके ज़रिए हम टीवी पर देख पाते हैं, हर न्यूज़ है या कोई भी लाइव प्रोग्राम है ये हम देख पाते हैं। टीवी पर भी दिखता है एज वेल एज रेडियो, ये रेडियो है, रेडियो पर भी ये टेलीकास्ट होता है, सुनाया जाता है लोगों को, और न्यूज़पेपर में भी आता है। तो इस तरह से ये न्यूज़ जो है सब पूरे, मतलब सबके पास पहुंच जाती है। नाउ टर्न ऑन पेज नंबर 75। स्टडी द पिक्चर्स On the opposite page in the box below, write the names of the means of communication that are being used. ये जो है हमने जो पिक्चर अभी देखा है उसमें पिक्चर्स में क्या क्या दिया है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो यहाँ पर लिखना है आपको। न्यूज़पेपर है, टीवी है, रेडियो है। नोट डाउन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है? एजुकेशनल मिलती है, पॉलिटिकल मिलती है ना, और क्या क्या मिलता है? स्पोर्ट्स वाली मिलती है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह मिलता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट वाला वो मिलता है। तो बहुत सारी है, आप न्यूज़पेपर देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि किस तरह की न्यूज़ आपको मिलती है। एडवांटेजेस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड मास मीडिया। अब देखिए ये जो टेलीकम्युनिकेशन होता है और मास मीडिया होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है? मास मीडिया का मतलब, मास का मतलब क्या है?
बहुत सारे लोगों का, बहुत बड़े ग्रुप का, उसे बोलते हैं मास मीडिया। मीडिया यानी न्यूज़पेपर जो है, टीवी चैनल्स है और रेडियो है, तो ये क्या है, मीडिया है। मीडिया क्या करता है, हम जो बात उनको पता चलती है वो बात सभी लोगों तक वो पहुंचाने का काम करते हैं। न्यूज़ होती है या कोई इवेंट होता है या कोई भी इम्पोर्टेंट बात होती है वो लोगों तक पहुंचाने का काम वो करती हैं। वी कैन ईजीली कॉन्टैक्ट पीपल फार अवे फ्रॉम अस। इससे क्या होता है, दूर दूर तक लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। यानी टेली कम्युनिकेशन से क्या होता है, एक बात अगर हमें किसी को बतानी है, पूरी जनता के पास पहुंचानी है, तो तुरंत वो पहुंच जाती हैं। द टाइम एंड एफर्ट स्पेंड इन एक्सचेंजेस इंफॉर्मेशन कैन बी सेव्ड। और क्या होता है, टाइम और एफर्ट, यानी मेहनत भी बचती है और टाइम भी बचता है इससे। एक इंसान अगर, एक ही इंसान पूरी दुनिया को एक ही बात बताने जाएगा तो उसका, उसकी तो ज़िंदगी निकल जाएगी। लेकिन टीवी या रेडियो या न्यूज़पेपर से एक ही चीज़ एक झटके में सबके पास चली जाती है, एक ही न्यूज़ सब लोगों के पास फैल जाती है, है ना। तो ये दो पॉइंट्स हमने देखे हैं, अगले वीडियो में हम देखेंगे तीसरे पॉइंट से। ओके, यहाँ मैं अभी स्टॉप कर रही हूँ, अगले वीडियो में हम आगे का देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।